हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्क्रब लाई हूँ जो पर्टिकुलरली स्क्रब नहीं है, फेस वॉश टाइप का है, पर आप उसे एक स्क्रब के टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, और जैसे कि लोग कहते नहीं हैं कि अगर बड़े बड़े दाने होंगे फेस वॉश के अंदर तो वो आपके स्कार्स क्रिएट करते हैं। अगर आपका स्कार्स है, कोई भी दाने का कोई गड्ढा है, तो उसे और बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने जो ये निविया का जो स्क्रब है ये चूज़ किया है, जिसके बहुत बड़े बड़े स्कार्स हैं फेस पे, तो उसे बड़े बड़े मतलब जैसे वॉलनट एक आता है उसका एवर यूथ का, वो नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको ये यूज़ करना चाहिए। आप मैं इसे ग्रैनुल्स दिखा रही हूँ, देखिए कितने फाइन हैं। अगर ये अपने आप फेस पे घिसेंगे जब ऐसे रब करेंगे स्क्रब करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, और जितनी भी डस्ट और डर्ट है आपकी निकल जाएगी। मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ अपने हाथ पे, जैसे कि देखिए बहुत ही लाइटली आपको ये सब करना है, क्योंकि अगर आपके फेस पे स्कार्स हैं या फिर एक्ने हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। कई लोग क्या करते हैं ना कि जो बहुत ही मोटे ग्रैनुल्स का, अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे सपोज एवर यूथ का एक आता है वॉलनट का, वो बहुत तेज़ तेज़ से कर लेते हैं, फिर तो भाई ये सत्यानाश ही होना है भाई। तो ऐसी चीज़ें ना करें जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो जाएं बाद में। अब देखिए इसके ग्रैनुल्स कितने सॉफ्ट हैं, आप अगर स्क्रब भी करते हैं तो आप इसे रेगुलर फेस वॉश के तौर पे मत यूज़ करिए, इसको आप वीकली स्क्रब के तौर पे यूज़ करिए। देखिए मैंने वॉश कर लिया है हाथ, और आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इंस्टेंटली चीज़ें भले ना दिखें आपको, लेकिन ये चीज़ अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको नज़र आएगी। और आप इसे ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, और इसके ग्रैनुल्स इतने बड़े नहीं हैं तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े वाले जो ग्रैनुल्स होते हैं उनको आपको कम टाइम के लिए, कम वीक में कम टाइम के लिए करना पड़ता है, लाइक वंस और ट्वाइस और मे बी वंस, क्योंकि वो ख़तरनाक हो सकते हैं, पर ये नहीं। तो आप इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है, क्योंकि मैंने इसे अप्लाई किया और तभी मैं इसे ढूंढ के लाई, क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, आप इसे प्लीज़ ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये कैसा लगा आपको। धन्यवाद।